हेलो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो रही होगी। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड, वो जो डिफेक्ट वगैरह होगा ना उसके बारे में बात करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए फ्रेंकल और सॉटी डिफेक्ट, ये भी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा साड़ी आपके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। अल्फा आज सच के तराजू पर तौलता हूँ मैं, अल्फा आज सच के तराजू पर तौलता हूँ मैं, आपकी खुशी के लिए ही तो शायरी बोलता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज इम्परफेक्शन इन सॉलिड। क्या है पहले इम्परफेक्शन, यानी इम्परफेक्शन का मतलब समझ लेते हैं। क्या है कि इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड मीन्स द डेविएशन और वेरिएशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर रेगुलर 3D अरेंजमेंट। इसका मतलब हुआ कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, फिलहाल तो मैं पसीना पोंछ लूँ, बहुत गर्मी है। क्योंकि होता क्या है बच्चों कि पंखा है, ऐसा बात नहीं है कि पंखा नहीं है, इतना भी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब नहीं है, पंखा तो है ऊपर में, लेकिन जब भी पंखा चलाते हैं तो स्टैंड हिलने लगता है और हिलने की वजह से भाई फोकस नहीं हो पाता, वीडियो अच्छा नहीं बनता। और पंखा चलाएंगे तो भाई ये माइक जो है ना उसका साउंड कैप्चर कर लेता है तो वीडियो ख़राब हो जाता है। इसी के लिए पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है। कोई बात नहीं है, आपके लिए इतना कर सकते हैं भाई, कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स के लिए मेरा पूरा लाइफ है, मैं कर सकता हूँ, चाहे मुझे कितना पसीना गिरे, नहा जाऊं, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्टूडेंट के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो देखिए, हाँ मैं कहाँ था, तो ये जो 3D अरेंजमेंट होते हैं, हमारा जो अभी ये जो इम्परफेक्शन है ना, इम्परफेक्शन जो है वह सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए है। ठीक है, और जो चला गया एमोर्फस सॉलिड, बैंड में गया, बैंड बाजा उसका हो गया, मतलब उसके बारे में नहीं पढ़ना यार, एमोर्फस सॉलिड में कितनी बार बोलूँ। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग इम्परफेक्शन पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो तो रेगुलर 3D अरेंजमेंट में उसके पार्टिकल्स जुड़े हुए होते हैं। तो क्या होता है कि अगर वो रेगुलरिटी, वो जो पार्टिकल्स रेगुलर मैनर में 3D अरेंजमेंट में जुड़ा हुआ है, वो रेगुलरिटी अगर डिस्टर्ब हो जाए, उसके अंदर कुछ डेविएशन हो जाए, देख रहे हो ये जो पार्टिकल्स है ये रेगुलर में अरेंज है, तो अगर ये कुछ समय के लिए थोड़ा इरेगुलर हो जाए तब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तब हम उसी को इम्परफेक्शन बोलते हैं। आ गया समझ में? नेक्स्ट बात देखिए, और एक तो इस तरह से इम्परफेक्शन आता है कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्टिकल रेगुलर मैनर में अरेंज है और वो रेगुलरिटी थोड़ी दूर के लिए क्या हो गई, इरेगुलर हो गया, उसका जो पार्टिकल्स था वो क्या हो गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो वहाँ इम्परफेक्शन आता है। और दूसरा कहाँ आता है कि अगर कोई सॉलिड में इम्प्यूरिटी आ जाता है, इम्प्यूरिटी मतलब ऐसा नहीं कि कीचड़ वगैरह आ गया, इम्प्यूरिटी आने का मतलब है कि उस सॉलिड में, जैसे कोई NaCl का सॉलिड है, ठीक है, तो उसमें जो NaCl में Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन्स होते हैं, अगर उसके अंदर Fe का आयन आ गया, सीजियम का आयन आ गया, कोई दूसरा आयन आ गया किसी NaCl में, तो डेफिनेटली है वो NaCl के लिए वो सीजियम का आयन, आयरन का आयन या जो भी हो दूसरा आयन, वो इम्प्यूरिटी कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये भी बात समझ में आया। तो दो तरीके से हम इम्परफेक्शन हम देख सकते हैं, अभी और भी आएगा, देखते जाइए। अगला है, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अकॉर्डिंग टू नॉशेंट लॉ, इसको हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब क्या है नॉशेंट लॉ के हिसाब से, क्या है कि भाई नो सॉलिड इज परफेक्ट अनलेस इट इज प्रेजेंट एट 0 केल्विन। देखिए 0 केल्विन कहने का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को कहने का मतलब क्या हुआ कि दुनिया में कोई भी ऐसा सॉलिड नहीं है जो परफेक्ट है। ठीक है, मैं क्या बोला, दुनिया में ऐसा कोई भी सॉलिड नहीं है जो पूरी तरह से परफेक्ट है। अगर कोई भी सॉलिड परफेक्ट तभी हो सकता है, कंप्लीटली 100% परफेक्ट कोई भी सॉलिड तभी हो सकता है जब वह 0 केल्विन, ये देखिए 0 केल्विन है, ओके नहीं लिखा हुआ है, 0 केल्विन पर पहुंच जाए, उसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो, तब जाके कोई भी सॉलिड परफेक्ट होता है। और 0 केल्विन तभी हो सकता है जब एब्सोल्यूट जीरो हो,
यानी जीरो केल्विन का मतलब एब्सोल्यूट जीरो, जो कि इम्पॉसिबल है, एब्सोल्यूट जीरो होना संभव नहीं है, इसी के लिए कोई भी सॉलिड परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए भाई, इतना पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि एट द टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर कोई भी सॉलिड का टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो द चांस ऑफ इम्परफेक्शन इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। कहने का मतलब समझो आप बात, कि कोई भी सॉलिड को आप क्या करो, गर्म करो, टेम्परेचर उसका बढ़ाओ, तो इन इम्परफेक्शन होने का चांस उसमें बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही आप हीट दोगे तो उसका जो पार्टिकल्स रेगुलर मैनर में अरेंज था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो इधर उधर भागने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है ना, पता है ना ये चीज़। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इम्परफेक्शन आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी के लिए वहाँ पर डिफेक्ट्स वगैरह सॉलिड में ऑब्जर्व्ड होते हैं, देखे जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है कि इट इज़ ऑब्जर्व द इम्परफेक्शन ऑकर्स व्हेन अ सॉलिड इज मेड एट वेरी हायर और एट मॉडरेट रेट। एक तो देखना अभी कितना तरीका आप देख लिए इम्परफेक्शन होने का, और भी तरीका बताया है कि भाई इम्परफेक्शन होने का और भी तरीका, या इम्परफेक्शन तभी ऑब्जर्व होता है जब आप कोई सॉलिड बना रहे होते हैं। देख रहे हैं, सॉलिड इज मेड, आप जब कोई सॉलिड बना रहे होते हैं जो मतलब लैब में या कहीं भी सॉलिड बन रहा होता है फैक्ट्री वगैरह में, तो क्या होता है कि कोई भी सॉलिड लिए आप जल्दी से उसको क्या किए, पहले गर्म कर लिए, तो गर्म करने के बाद हाइयर टेम्परेचर पर जो है वो मेल्ट हो गया, और मेल्ट होने के बाद डेफिनेटली है पहले तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और उसका कुछ अपना एक अरेंजमेंट होगा, अपना एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा। आप उसको पिघला दिए तो उसका अरेंजमेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, और क्या किए आप, वो जो पिघलाए उस सॉलिड को उठाए, अब तो सॉलिड नहीं रहा वो, तो अब मॉल्टन स्टेट में हो गया, उसको उठाए जाके पानी में दे दिए, पानी में कोई चीज़ जाता है गर्म चीज़ तो सीसी आता है ना जी, तो अब क्या हुआ कि वहाँ पर जो है पार्टिकल्स अरेंज होने का प्रयत्न कर रहे थे, वो जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे पहले थे ना, हीट करने से पहले जैसे उसके पार्टिकल्स थे वैसे वो अरेंज होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तुरंत उसको ठंडा कर दिए तो वो फिर से सॉलिड में बन गया, और वो पूरी तरह से अच्छे से पहले जैसा अरेंज नहीं हो पाए रेगुलर, तो वहाँ भी आपको इम्परफेक्शन देखने को मिल सकते हैं, यानी हमको डिफेक्ट्स वगैरह वहाँ भी देखने को मिल सकता है। समझ में आ गया डिफेक्ट्स क्या होता है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, अगर इसको समझ में आपको नहीं आ रहा होगा तो फिर से इस वीडियो को बैक कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो और सारी बातें को नजर देखते हैं हम अच्छे से, क्या है कि इट इज़ ऑफ थ्री टाइप, यानी ये जो हमारा इम्परफेक्शन होता है, इम्परफेक्शन जो होता है वो सॉलिड में तीन प्रकार के देखे जाते हैं, एक होता है लाइन डिफेक्ट, यानी डिफेक्ट जो होते हैं तीन प्रकार के देखे जाते हैं, एक होता है लाइन डिफेक्ट, एक होता है एटॉमिक डिफेक्ट, या उसी को पॉइंट डिफेक्ट भी बोलते हैं, और अगला होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। बारी बारी से सभी को देखते जाते हैं मस्ती में, और पूरा चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे, बाबू कला टेंशन ले रहे हो। तो लाइन डिफेक्ट क्या होता है कि कोई भी सॉलिड में अगर पूरा रो में जितने एटम्स है या पार्टिकल्स जो भी है वो पूरे डिस्टर्ब हो जाए, जैसे देखो देखो एक लाइन में जितने पार्टिकल्स हैं वो पूरे अगर डिस्टर्ब हो जाए तब हम उस डिफेक्ट को लाइन डिफेक्ट कहते हैं। यानी देख लो पूरा एक सॉलिड है, उस सॉलिड का पूरा एक लाइन का जो पार्टिकल है वो पूरे में डिफेक्ट आ जाए, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, फिर एटॉमिक डिफेक्ट या उसी को पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि या तो सिंगल एटम या सिंगल पार्टिकल या कुछ पार्टिकल में डिस्टर्बेंस है, या तो एक पार्टिकल में या उसके अगल बगल एक दो पार्टिकल में डिफेक्ट है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम एटॉमिक डिफेक्ट बोलते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है ये हमको देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर, जब हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर का तब इसका हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर जब हम देखेंगे तो बहुत अच्छे से इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल में हमको लाइन डिफेक्ट उतना पढ़ना नहीं है, बस यहीं तक पढ़ना था, हम लोग एटॉमिक डिफेक्ट या उसी को पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होगा हमारा वो हम
जब पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर करेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। फिलहाल में तो आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से एटॉमिक डिफेक्ट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, या उसी को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए क्योंकि अभी हम मिटाने वाले हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं एटॉमिक डिफेक्ट और उसी को पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। तो भाई एटॉमिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट जो होता है ना, उसका भी 1, 2, 3 टाइप है, यानी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टॉइकियोमेट्रिक, ऐसा लगता है कि स्टॉइकियोमेट्री शब्द जो बना है वो पान खा लिया हुआ या गुटखा खा के बोलता है स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इस तरह से जुबा कैसरी की तरह ना बोलो जुबा कैसरी, स्टॉइकियोमेट्री शब्द का खोज हो गया, तो स्टॉइकियोमेट्री। और अगला है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टॉइकियोमेट्री डिफेक्ट। तो बारी बारी से हम इसको पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में तो भाई स्टॉइकियोमेट्री के ही बारे में बात करेंगे। क्या होता है स्टॉइकियोमेट्री डिफेक्ट? देखो भाई स्टॉइकियोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है, इसको भाई हम लोग क्या है इंट्रेंसिक डिफेक्ट भी नाम देते हैं, इंसेंट्रिक डिफेक्ट, या इसी को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्या? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अगला है कि डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टॉइकियोमेट्री रेशियो ऑफ द सॉलिड और अ क्रिस्टल। देखो मैं एक आपको बताता हूँ, ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं। जैसे देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे मैं गोल गोल घेरा बनाता हूँ, क्यों बना रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे और बना लिया टर ढुचाक, इस तरीके से आप गोल घेरा बनाइए। यहाँ पे केटाइन एनाइन सजाए, पहले अगर आप केटाइन सजाए तो आप एनाइन लिखिए, केटाइन तो एनाइन, यहाँ पर केटाइन है तो यहाँ पे एनाइन, एनाइन है तो केटाइन, एनाइन केटाइन, अब यहाँ एनाइन है तो केटाइन, एनाइन केटाइन, एनाइन। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, कितने केटाइन है, तो 2, 2, 4, 2, 6 केटाइन की संख्या यहाँ पर कितनी है, केटाइन यहाँ पे 6 है, और एनाइन भी क्या होगा हमारा, एनाइन कितना होगा, एनाइन भी 6 ही होगा। ठीक है, केटाइन 6 और एनाइन 6, मान के चलो यहाँ से कोई एक केटाइन निकल के चला गया। ठीक है, यहाँ से कोई केटाइन निकल के चला गया, तो अब इसका रेशियो कितना था, केटाइन और एनाइन का रेशियो कितना था, 1:1 था। अगर ये अगर केटाइन यहाँ पे था तो उसका रेशियो 1:1 था। क्यों? अगर बताओ केटाइन अगर 6:6 होगा तो भाई इसका रेशियो हम सिंपल में ले जाए तो 1:1 ही होगा, लेकिन अगर यहाँ से केटाइन भाग जाता है अपने जगह से तो इसका रेशियो गड़बड़ा जाएगा ना, तब तो केटाइन कम ही हो गया, केटाइन तो 5 ही हो गया और एनाइन 6 हो गया, तो इसका स्टॉइकियोमेट्रिक रेशियो गड़बड़ा रहा है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ से अगर केटाइन भागा है तो कहीं से एक एनाइन भाग जाएगा, एनाइन भाग गया तो इससे क्या हुआ, ये बैलेंस हो गया। फिर अब केटाइन 5 तो एनाइन भी 5, और इसका अगर ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, तो फिर से इनका सिंपल रेशियो 1:1 ही बनता है। तो स्टॉइकियोमेट्री रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इस तरह का डिफेक्ट अगर होता है तो। ठीक है, अगर केटाइन भागा तो एनाइन भी भाग जाएगा ताकि वो मेंटेन रख ले। तो वही बात बोला है कि डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब्स द स्टॉइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ अ सॉलिड, यानी इस तरह का जो डिफेक्ट होगा इसमें क्या होगा, स्टॉइकियोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलता है, वो अपने आप को मेंटेन कर लेता है। और इस तरह का डिफेक्ट में भी 3 तरह के डिफेक्ट हम लोगों को पढ़ने हैं, एक वैकेंसी डिफेक्ट और एक होता है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, और अगला है फ्रेंकल एंड सॉटी डिफेक्ट। और मुझे पता है कि आप यही दोनों को देखने के लिए इस चैनल पे आए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंकल एंड सॉटी डिफेक्ट, बोर्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। ठीक है, तो बारी बारी से सबको देखते हैं। फिलहाल में तो हम वैकेंसी डिफेक्ट को देख लेते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं बच्चों तो जल्दी से नोट कर लेते लीजिए, हम थोड़ा पसीना आप पोंछ लेते हैं, जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हैं, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चों, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए बड़े आगे, हाँ
तो वैकेंसी डिफेक्ट बाबू क्या होता है कि व्हेन द पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशन क्रिएट्स वैकेंसी डिफेक्ट। अरे भाई क्या है कि कोई भी पार्टिकल्स अगर अपने पोजीशन से हट जाता है, भाग जाता है, तो वहां पर क्या होता है भाई, एक वैकेंसी डिफेक्ट बनता है। कैसे, देखो यहां पे एक पार्टिकल, एक पार्टिकल, एक पार्टिकल, एक पार्टिकल, यहां एक पार्टिकल, यहां पर देखो एक पार्टिकल था लेकिन वो छोड़ के भाग गया, तो क्या है, यही तो है वैकेंसी डिफेक्ट। यहां पर क्या है, वैकेंसी, यही है वैकेंसी डिफेक्ट। यहां पर कोई पार्टिकल था पहले लेकिन अब क्या है, यहां से भाग गया, कहीं चला गया, तो यहां पर वैकेंसी डिफेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? और मान के चलो एक और बात कि इसका जो वॉल्यूम था, इसका वॉल्यूम तो फिक्स ही है, तो अगर अच्छा इसका डेंसिटी जो है ना बाबू, यहां पे बता दूं, यहां पे इसका जो डेंसिटी होता है, यहां पे बता देता हूं, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहां पे बता देता हूं कि जो इसका डेंसिटी होता है, ठीक है, इसका जो म्यू होता है, म्यू कहते हैं ये रो, वो क्या होता है भाई, यहां पर क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज क्यों करता है बताइए भाई, डिक्रीज क्यों करता है, क्यों? क्योंकि मान के चले यहां पर जो पार्टिकल था वो तो चला गया, तो पहले तो था ना, तो डेंसिटी तो घट जाएगा। यहां पर जो पार्टिकल थे डेफिनेटली यहां पर से चले गए हैं, तो क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर मास, इसमें मान के चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पार्टिकल थे, पहले अगर 12 पार्टिकल थे तो मास 12 हो जाएगा मान लेते हैं, और वॉल्यूम तो इसका फिक्स ही होगा। मान लीजिए इसका वॉल्यूम है यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, दो, तो ये कट के 6 आ जाएगा, तो उस समय का इसका जो हमारा डेंसिटी था वो 6 था, लेकिन यहाँ से एक पार्टिकल भाग गया, तब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक पार्टिकल भाग गया तो मान लीजिए 12, यहाँ तो 12 नहीं 9 ही होंगे, एक और रो हमको बनाना था, तो मान लीजिए यहाँ पर 11 है, एक भाग गया तो 11 है, और बट्टे में 2 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। अब इसको काटिए, क्या है 5.5 आएगा, तो देख रहे हैं इसका वॉल्यूम, इसका जो डेंसिटी हुआ कैसे घट गया, तो भाई इसका डेंसिटी भी क्या होता है, घट जाता है। समझ में आया, क्यों घट जाता है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना पार्टिकल चला जाएगा तो डेंसिटी डेफिनेटली घट जाएंगे। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो जल्दी से इसको लिखेंगे आप लोग, जल्दी से आप इसको लिखेंगे। और इस तरह का जो वैकेंसी डिफेक्ट है कब मिलेगा देखने को आपको, जब आप इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे, जब आप हीट करेंगे तो ये चीज देखने को आपको मिलेगा, डिफेक्ट देखने को मिलेगा। हीट करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कोई पार्टिकल इधर से उधर भाग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है जिसके वजह से, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिखेंगे फिर हम ओ भाई लाइट गिर गया, चलो लाइट हम सही कर देते हैं, क्या करें भाई, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। जल्दी से आप इसको लिखेंगे फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। तो भाई ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें न्यू पार्टिकल जो होते हैं, नए पार्टिकल ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस आपको पता है कि नहीं पता है भाई, चलो नहीं पता है तो हम बताते हैं। देखिए ये एक पार्टिकल, 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 ठीक, इस तरह से पार्टिकल आप लगाते चलो, लगाते चलो, लगाते चलो भैया, लगाते चलो ना, देखो इस तरह से मैं लगा रहा हूँ पार्टिकल, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, ये खाली जगह क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, और यहाँ कोई एक नया पार्टिकल चला है, छोटा पार्टिकल ही आएगा, लेकिन देख रहे यहाँ छोटा छोटा पार्टिकल अगर इस स्पेस में चला है, ये जो है ना ये इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर न्यू पार्टिकल ऑक्यूपाई, नया पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस को अगर ऑक्यूपाई करेगा तो इस तरह का जो डिफेक्ट बनेगा उसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। समझ में आया कि ये तो पहला नंबर, ये सारा जो चीज है ना फिलहाल में, ये सारा जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये सारा चीज हमको नॉन आयोनिक सॉलिड में बनता है। तो हमारा जो सॉलिड्स है उसके जो पार्टिकल्स होंगे, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो छोटा सा गैप बनता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। अगर कोई नया पार्टिकल उस यानी नया जो पार्टिकल आएगा वो छोटा होगा, वो छोटा पार्टिकल
उसके अंदर घुस जाए, इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है, ये देखिए छोटा सा, ये देखिए, अरे ये पार्टिकल जो है बच्चों, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको तो हम लोग वॉइड बोलते हैं, और इसके साथ साथ इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं। तो छोटा पार्टिकल ही छोटे छेद में जाके घुस पाएगा, तो वो जो छोटे पार्टिकल, अगर नए छोटे पार्टिकल अगर उस छेद में घुस जाए इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो इस तरह का जो वॉइड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी वॉइड नहीं, इस तरह का जो डिफेक्ट होता है उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोला जाता है। और इसमें डेंसिटी भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अरे डेफिनेटली है, कोई पहले तो डेंसिटी फिक्स था, अब उसमें नए पार्टिकल आगे घुस गए हैं, तो डेंसिटी यानी घनत्व तो बढ़ेगा, वो और ज़्यादा घना होते जाएगा, तो डेफिनेटली इसका डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगला है कि वेरिएशन इन पार्टिकल साइज आर देयर इन स्मॉलर वंस ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल स्पेस। अभी बताएं कि क्या होगा, कि यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पार्टिकल्स है, इस तरह का जो सॉलिड होता है ना, या इस तरह का जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, यानी पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा छोटा होता है। तो जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो जो है इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, घेरते हैं, जैसा कि मैंने अभी बता दिया, ठीक है। और एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं, यानी वैकेंसी डिफेक्ट जो अभी मैंने जस्ट पढ़ाया, और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, ये दोनों नॉन आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलता है। ये तो अभी जस्ट पहले बता दिया ना मैंने कि जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है और जो हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, ये हमारा नॉन आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हम जस्ट इसके बाद हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट और सॉटी डिफेक्ट देखेंगे, जो कि स्पेशली हमको आयोनिक सॉलिड में ही देखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था, जो हमारा कंप्लीट होता है यहीं पर। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट और सॉटी डिफेक्ट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार क्या, हर बार पूछता है। तो आइए इससे भाई क्वेश्चन आता ही आता है, तो भाई बढ़िया से देख लीजिए क्या है फ्रेंकल डिफेक्ट और क्या है भाई हमारा सॉटी डिफेक्ट। तो चलिए, क्या है कि सॉन बाय दोज आयोनिक सब्सटेंसेस, और पहले मैं बता दूं कि ये फ्रेंकल डिफेक्ट आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलता है, ये भी हमारा सॉटी डिफेक्ट आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलता है, ठीक है। इससे पीछे वाला जो था इंटेस्टिनल डिफेक्ट और हमारा वैकेंसी डिफेक्ट, ये सारा नॉन आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलता था बच्चों, ये फ्रेंकल डिफेक्ट और सॉटी डिफेक्ट पूरी तरह से आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलता है। क्या है कि सॉन बाय दोज आयोनिक सॉलिड दैट हैव ए स्मॉलर कैटाइन एंड लार्जर एनायन, यह ऐसे आयोनिक सब्सटेंसेस में देखने को मिलेगा जहां का कैटाइन बड़ा होगा और एनायन छोटा होगा। नहीं, कैटाइन छोटा होगा और एनायन बड़ा होगा। हाँ, इससे पहले हम लोग रेडियस रेशियो में देखे थे कि रेडियस रेशियो में कुछ ऐसा भी रेंज था जहां पर केटाइन और एनाइन बराबर हो जाते थे, और यहां तक कि कभी कभी केटाइन बड़े हो जाते थे एनाइन से। लेकिन यहां पर फ्रेंकल डिफेक्ट में केटाइन हमारा क्या होगा, छोटा होगा और एनाइन हमारा बड़ा होगा, तभी यहां पर इस तरह का डिफेक्ट देखने को मिलता है, जिसको हम फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है। अरे नॉर्मल समझिए ना कि केटाइन का साइज छोटा होगा और एनाइन का साइज बड़ा होगा, अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कोई भी आयोनिक सब्सटेंसेस में, तो इस तरह का डिफेक्ट यानी फ्रेंकल डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। आगे क्या है कि व्हेन द स्मॉलर साइज आयन लीव्स इट्स पोजीशन एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस, तब इस तरह का हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। यहां पर देखिए, ये एनाइन है और केटाइन है, छोटा वाला केटाइन है और बड़ा वाला हमारा एनाइन है। तो कोई यहां से छोटा वाला केटाइन है, देख रहे हो हमारा ये छोटा वाला जो केटाइन है, ये क्या करे, समझो, ये छोटा वाला जो हमारा केटाइन है, ये क्या करे, ये यहां से घिसक जाए, ये यहां से घसक कर कोई एक इंटरस्टिनल स्पेस में चला जाए, यहां पर चला जाए, यहां वाला जो केटाइन था यहां से हटकर यहां चला जाए। तो अपना पोजिशन चेंज कर रहा है, ये क्या कर रहा है अपना, ये पहले यहाँ था, देख रहे हो, पहले ये केटाइन यहाँ था, अब दुसक दुसक के ये देख रहे हो इंटरस्टिनल डिफेक्ट में चला गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में चला गया, डिफेक्ट बोले तो स्पेस में चला गया। ये जो खाली जगह होता है ना, वहाँ जाके यहाँ पर पहले था केटाइन,
और अब जो है ये खाली जगह इंटर स्टेशियल स्पेस में जाके बैठ गया है, तो यहाँ पर फ्रेंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? और यहाँ पर क्या होता है कि नो चेंज इन स्टाइशियोमेट्री, स्टाइशियोमेट्री में कोई चेंज नहीं आता है। मान के चलिए यहाँ पर केटाइन जो है एक दो तीन चार, कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः केटाइन और एनाइन का रेशियो अगर माने तो केटाइन छः और एनाइन भी छः, इसका सिंपल रेशियो 1:1 ही आएगा। और भले यहाँ से ये चला गया, यहाँ ना चला गया, ऐसा थोड़ी ना कि सॉलिड से बाहर चला गया, है तो इसी में ना, तो इसका रेशियो जो है 1:1 ही बनेगा। तो ये स्टाइशियोमेट्री में कोई भी चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो जो होता है उसमें बिल्कुल भी बदलाव ये नहीं कर रहा है, तो ये ठीक है। अगला है नो चेंज इन डेंसिटी, इसका डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? तो ये निकल के कहीं भागा थोड़ी ना, वहीं तो है, भले अपना पोजीशन चेंज कर लिया है वो केटाइन, लेकिन है तो उसी सॉलिड के अंदर, तो डेंसिटी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, डेंसिटी तो उतना ही रहेगा। तो इसका डेंसिटी जो होता है ना फ्रेंकल डिफेक्ट में, जो उसका डेंसिटी होता है उस सॉलिड का, वो आयोनिक सॉलिड का, उसका डेंसिटी बदलता नहीं है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो जाता है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो जाता है, याद रखिएगा। और इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एग्जाम्पल ही पूछता है। एग्जाम्पल क्या है, AgCl, AgBr, ZnS, जिंक सल्फाइड, AgBr, AgCl, देख रहे थे ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 में आ रहा था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसीलिए इसका लो होता है। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये चार पार्टिकल्स के ही टच में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए, इसका जो स्टेबिलिटी होता है वो कम होता है, स्टेबिलिटी कम होता है, क्यों बताइए? क्योंकि ये स्थान से, ये वाला केटाइन यहाँ पे था, अब यहाँ से भाग गया यहाँ, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक खाली जगह बन गया, वॉइड बन गया, छेद बन गया, तो स्टेबिलिटी सॉलिड का कम ही ना हो जाएगा। मान चलिए ये दीवार है, इस दीवार में हम छेद करते गए करते गए करते गए, एक समय ऐसा आएगा कि ये धस सकता है, तो ये घर का स्टेबिलिटी खत्म हो गया ना। बस सेम बात यही है कि अब भाई यहाँ छेद हो गया, फिर यहाँ छेद हो गया, यहाँ वॉइड बन गया, तो डेफिनेटली है कि क्या होगा कि ये सॉलिड का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। प्रॉब्लम है नहीं है। और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये निकल के भागा थोड़ी ना, बार बार तो यही बात बोल रहा हूँ, है तो इसी में ना। अगर केटाइन पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन निगेटिव चार्ज होता है, दोनों का नंबर काउंट करोगे तो बराबर ही आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अगर दोनों बराबर आ जाए तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल उसको बोला जाता है। आ गया समझ में? तो यही तो हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इसमें सारी जानकारी मैं आपको दे दिया फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में। कोई प्रॉब्लम, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, हर बार आई थिंक पूछता है, तो कहीं से दिक्कत फ्रेंकल डिफेक्ट में नहीं आई होगी। अब देखते हैं सॉटी डिफेक्ट क्या होता है। सॉटी डिफेक्ट क्या है? यह भी हमको आयनिक सॉलिड में ही देखने को मिलता है। क्या है कि सोन बाय आयोनिक सब्सटेंस दैट हैव नियरली सेम आयोनिक रेडियस, यानी यहाँ जो केटाइन और एनाइन होते हैं ना उनका रेडियस सेम होता है। ठीक है, इक्वल साइज के एटम्स देखने को मिलते हैं। आपको बताया था ना एक ऐसा रेंज, यानी रेडियस रेशियो जब हम पढ़ा रहे थे तो एक रेंज आपको बताया था 0.414 से लेकर 0.73 का जो रेंज था, उसमें जो केटाइन और एनाइन का साइज था ना वो क्या था, दोनों का सेम था। तो उसी रेंज में बाबू हमारा अगर केटाइन रहे और एनायन रहे तब हमको यहाँ पर सॉटी डिफेक्ट देखने को मिलता है। कैसे? तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये देखिए केटाइन है और ये हमारा एनायन है, दोनों का साइज लगभग में सेम ही है। अब देखिए यहाँ पर हमारा बनेगा इस तरह का जो सॉलिड होगा ना, इस तरह का जो आयोनिक सॉलिड होगा उसमें हमारा सॉटी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये भी हमारा जो सॉलिड होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर आयंस, जितने केटाइन होंगे उतना ही एनायंस होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों सेम ही होता है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। जैसे इसका एग्जांपल KCl, सीजियम क्लोराइड, याद आया इसका जो सीजियम क्लोराइड का याद है, सीजियम क्लोराइड का और या जिसका जो है बता रहा हूँ मैं, रेडियस रेशियो आर पॉजिटिव और आर निगेटिव, याद करो R पॉजिटिव और R निगेटिव का जो रेडियस रेशियो 0.414 से लेकर 0.73 के बीच में आया था, उसका हमारा जो रेडियस रेशियो था उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 8:8 में आ रहा था। तो डेफिनेटली है इस तरह का जो रेडियस रेशियो का जो हमारा
कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है, यानी इस तरह के सॉलिड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। और डेफिनेटली इसका डेंसिटी कम हो जाएगा, क्यों, जिस तरह से इसका डेंसिटी कम हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसका डेंसिटी उतना ही रहेगा, वेरी सॉरी, मैं अभी बताऊंगा कैसे ये हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट को हमको पहले लिख देना चाहिए था। इसका डेंसिटी कम नहीं होता, इसका डेंसिटी भाई उतना ही रहता है, ठीक है, लेकिन इसका डेंसिटी कम होता है, क्यों, क्योंकि देखिए कंडक्टिविटी, अच्छा यहाँ पर मैंने एक बात आपको बताया नहीं कि होता क्या है कि यहाँ पर कोई केटाइन है, ठीक है, मान लीजिए ये केटाइन है, ठीक, ये अपने जगह से चले गए कहीं और, तो अगर ये चले गए तो इसको अब मेंटेन करने के लिए यहाँ से कोई एक एनाइन को भी जाना पड़ेगा छोड़ के, इसी तरह का डिफेक्ट हमारा आयोन सॉटी डिफेक्ट कहलाता है, ठीक है, समझ में आया कि क्या होगा कि इसमें एक केटाइन होगा और एक एनाइन, तो अगर केटाइन अगर बाहर चला गया तो उसको उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक एनाइन को भी जाना पड़ेगा, क्यों भाई, क्योंकि इसका, अरे भाई साहब सॉटी डिफेक्ट जैसे फ्रेंकल डिफेक्ट में बताया ना कि इसका जो स्टाइसियोमेट्री रेशियो होता है, स्टाइसियोमेट्रिक रेशियो होता है, वो चेंज नहीं होता है, उतना ही रहता है, लेकिन इसका क्या होता है भाई, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता लेकिन ये मेंटेन कर लेता है, कैसे, तो मान के चले यहाँ पर एक और, यहाँ पर एक और, यहाँ पर केटाइन है तो यहाँ पर एनाइन है तो केटाइन मान लेते हैं, ठीक है, अभी केटाइन जोड़ो 2, 4, 6 है, केटाइन अभी 6 है, एनाइन अभी 6 है, तो मान चले यहाँ से एक केटाइन भाग गया तो केटाइन बचा कितना 5, यहाँ से 5 भाग गया तो इसका रेशियो तो गड़बड़ा गया, इसका रेशियो तो अब आएगा, मान के चले यहाँ पर केटाइन 6 था तो इस दोनों का रेशियो, केटाइन और एनाइन का रेशियो हमारा कितना आ रहा था, 1:1 आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये भी छः और इसका रेशियो 1:1 दे रहा था, लेकिन अब ये 5 हो गया, केटाइन 5 हो गया, एनाइन 6 है तो इसका रेशियो तो अब गड़बड़ा गया, इसका रेशियो अब 1:1 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इसी के लिए इसको स्टोइकोमेट्रिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, अगर एक केटाइन भागा तो एक एनाइन को भी भागना होगा, तब जाके ये भी एनाइन भी 5 हो जाएगा और तब इसका रेशियो फाइनली 1:1 फिर से आ जाएगा। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है ना उसको हम सॉटी डिफेक्ट कहते हैं, कोई प्रॉब्लम, और इस सॉटी डिफेक्ट में क्या होता है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब भाई कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्यों, तो मान के चलो भाई यहाँ पर से कोई केटाइन भागा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर से केटाइन जो भागा तो यहाँ खाली स्थान हो गया, तो क्या करेगा ये एनाइन जो है यहाँ चलाएगा खाली जगह पे और यहाँ पर खाली स्थान हो जाएगा, फिर ये केटाइन यहाँ चलाएगा और ये खाली जगह हो जाएगा, फिर ये खाली जगह पे एनाइन चलाएगा और यहाँ पर खाली जगह हो जाएगा, तो क्या हो रहा है कि यहाँ आयंस का मूवमेंट हो रहा है, देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर खाली जगह इधर आ रहा है, देख रहे हैं आयंस इधर शिफ्ट हो रहा है और खाली जगह जो है यहाँ शिफ्ट हो रहा है इधर, एक मिनट में थोड़ा पसीना पोछूं, प्रॉब्लम दे देता है भाई, चलिए भाई देख रहे हैं खाली जगह पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो खाली जगह का मूवमेंट इधर हो रहा है और आयंस का मूवमेंट इधर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो इसीलिए आयंस के मोशन के कारण, आयंस के मूवमेंट के कारण क्या होता है कि यहाँ पर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब आप भी जानते हो कि अगर आयंस फ्री स्टेट में रहे तो कंडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है, तो देख रहे हो आयंस पहले यहाँ पे था अब देखो इधर बढ़ गया है, तो आयंस का मूवमेंट हो रहा है और मूवमेंट के वजह से क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है।